हेलो भैया, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक है और आज के बाद आप मुझे देखेंगे जियो ज़िंदगी पे। मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, हम उस पर बात करेंगे। बहुत से टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स बात करते हैं, मगर उनकी एक अपनी एजेंडा होती है। वो एजेंडा क्या होती है कि उनको किसी को कम दिखाना होता है, किसी को बहुत अच्छा दिखाना होता है, मगर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बिल्कुल ऑब्जेक्ट एनालिसिस, ठीक है। और जब हम अपने समाज में, अपने मुआशरे में जब हम सच बोलेंगे और सच्ची तरह से चीज़ों को एनालिसिस करेंगे तो हमें उसके रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। और अभी तक जो देखा गया है वो यही देखा गया है कि लोग जो हैं वो बातें जो कर रहे हैं उससे तजाद बढ़ रहा है, लोगों के बीच में नफरतें बढ़ रही हैं। मेरे यहाँ इस चैनल पर आने का मकसद ही ये है कि हमारे बीच में जो असल मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है और जो हम हाइपोथेसिस एक दूसरे के लिए बना रहे हैं, और उन हाइपोथेसिस पे बहुत से पढ़े लिखे लोग भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं और नफरतों को जन्म दे रहे हैं, उन नफरतों को ख़त्म करना है, रिकन्साइलेशन करनी है। नेशनल इंटीग्रेशन की पाकिस्तान में शदीद ज़रूरत है। 50-70 साल में पाकिस्तान में आज तक किसी इदारे ने, कौमी इदारे ने नेशनल इंटीग्रेशन पे काम ही नहीं किया है। वो हमारा 80s का टाइम हो, 90s हो, या 2010 हो, 2020 हो, हमेशा हमने वो काम किए जिससे कौम डिवाइड हो। तो मेरा मकसद ये है कि कौम को एक करना है, इस पाकिस्तानी कौम को एक करना है, इनके सारे जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं उनके बीच में नफरतों को ख़त्म करें और हम ऐसी बातें करें जिससे हम एक कौम बने, हमारा शऊर उजागर हो, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप हमारे साथ स्टे कनेक्टेड और स्टे ट्यून रहें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन 70 साल में क्यों नहीं हो सकी, उसके क्या वजूहत थे। अगर हमारे पास नेशनल इंटीग्रेशन हम पैदा करेंगे अपने आपस में तो हमें क्या फ़ायदे होंगे, और एज ए नेशन हम कैसे जो है ना ग्रो कर सकते हैं, और दुनिया के दूसरी कौमों के सामने हम कैसे जो है ना एक इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ओके ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, और मैं जल्दी हाजिर हूँगा एक नई डिटेल वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।